हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दक्कन पठार के बारे में, यानी कि दक्कन प्लेटो के बारे में, और इसमें मैंने आपको इसकी विस्तृत जानकारी भी दी थी, जिसमें इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें जो है कौन कौन सी जो पठारें आपको पाई जाती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथ साथ इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसको भी मैंने बताया था। तो जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि इसका जो विभाजन किस प्रकार से हुआ था। तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो पहले नंबर पर जो है, सबसे पहला हमारा वह है उत्तरी दक्कन पठार, जिसको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र पठार या तो फिर काली मिट्टी का पठार। और इसी का एक जो फेमस नाम है, जो आप लोग हमेशा सुनते ही हैं, वह है दक्कन ट्रेप। तो इसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, दक्कन ट्रेप यह पूरी तरीके से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा राज्य पूरी तरीके से दक्कन ट्रेप पर स्थित है। तो इसका उत्तर आप लोग करेंगे महाराष्ट्र राज्य। तो यह जो है उत्तरी दक्कन पठार, इसका कुछ हिस्सा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा गुजरात राज्य में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य में भी पड़ता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो दूसरा हिस्सा है वह मालवा पठार पर है और कुछ हिस्सा इसका है उत्तर दक्कन पठार पर है। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है मालवा पठार के बारे में, बुंदेलखंड पठार के बारे में, मेवाड़ पठार के बारे में। तो आप लोग पिछली वीडियो में जा करके भी उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसका जो विस्तार है, उत्तर दक्कन पठार का विस्तार, वह भारत के तीन राज्यों में है। पहला है हमारा महाराष्ट्र, जो कि पूरी तरीके से है। दूसरा है हमारा गुजरात, जो कि थोड़ा सा हिस्सा है। तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर इसको हम दक्कन ट्रिप क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दक्कन ट्रिप इसलिए कहा जाता है कि इस वाला भाग में लावा का बार बार यहाँ पर लावा का जमने वाला प्रोसेस हुआ है। यानी कि एक बार यहाँ पर लावा ज्वालामुखी के द्वारा निकल गया, ये एक जमीन हो गया। तो यहाँ से मान के चलिए लावा निकल गया इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से फैल गया। ये तरीके से फैल गया, इसके बाद में बहुत समय के बाद इसी वाला क्षेत्र में और एक बार फिर से लावा निकल गया। लावा निकलने के बाद में यहाँ पर फिर एक लेयर बन गया इस लावा का, और लावा के जो फैल जाने के बाद में यह चट्टान का निर्माण होता है। तो इस चट्टान से फिर यहाँ पर काली मिट्टी का परत जड़ गया। इसके बाद में फिर से एक बार यहीं पर लावा का उद्गार हुआ, तो फिर से यहाँ पर चट्टानों का, या तो फिर हम कह सकते हैं काली मिट्टी का लेयर चढ़ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तीन बार यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, और ये जो चीज़ें हैं वो बराबर होती रही हैं तीन बार तक। इसी कारण से यहाँ पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, फिर बाद में समय पर उसके साथ में अपरदन होने के कारण वह फिर काली मिट्टी का यहाँ पर लेप चढ़ता गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तीन बार ये प्रक्रिया हुई है। तो इसी कारण से यह ट्रेप कहलाता है, पूरे तरीके से जाली की तरह से बिछा हुआ है, तीन बार यह प्रक्रिया हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पहला लेयर है, ये जो दूसरा लेयर, ये जो तीसरा लेयर है। तो इन पहले लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो अंतर दिख रहा है आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर जो है अंतर है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेपिया संस्तर। तो यह क्या है, तो यह है दो क्रमिक परतों के बीच में जो अंतर है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेपिया संस्तर। तो इसी कारण से यहाँ पर काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो काली मिट्टी है उस पर कपास का जो फसल है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो कपास के लिए काली मिट्टी महत्वपूर्ण होती है। और आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो उसका उत्तर आप लोग करेंगे काली मिट्टी। तो इसी कारण से ये जो है महाराष्ट्र राज्य वह कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। साथ साथ गुजरात में भी कपास का उत्पादन होता है, और आप लोग जानते हैं कि मुंबई में भी सूती वस्त्रों की मिल थी, दुकानें थी, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यही कारण है। अब दोस्तों, यह जो है महाराष्ट्र पठार, इसका जो है पूर्वी वाला भाग जो है, पूर्वी वाला जो भाग है, इसको इसको हम लोग कहते हैं विदर्भ, उसको हम लोग कहते हैं विदर्भ वाला इलाका। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं गोदावरी भी बहती है, साथ साथ कृष्णा नदी भी बहती है, और आप लोग जानेंगे तो यहाँ पे भीमा नदी भी बहती है। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो तीन जो प्रमुख नदियाँ, गोदावरी है, कृष्णा नदी है और भीमा नदी है, आप लोगों को ये याद रखना है। और अगर आप याद रखेंगे तो
कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो कि इस उत्तरी दक्कन पठार पे हैं। तो सतारा हो गया, सोलापुर हो गया आपका, नागपुर हो गया, अहमदनगर हो गया, ये सब सारे यहाँ के इम्पोर्टेंट शहर हैं जो कि उत्तरी दक्कन पठार या तो फिर दक्कन ट्रिप पर प्रसिद्ध नगर हैं, शहर हैं। तो यह थी इसके बारे में जानकारी। इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं बाद में पढ़ करके। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसका जो विस्तार है वह भारत के तीन राज्यों में है, तीन राज्यों में। पहला है अपना महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर था हमारा गुजरात और तीसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और इसमें से जो है महाराष्ट्र पूरी तरीके से, यह पूरी तरह से दक्कन ट्रिप पर स्थित राज्य, पूरी तरह से दक्कन ट्रिप पर स्थित राज्य है, ये आपको याद रखना है। बाद बाकी ये जो गुजरात है और ये जो मध्य प्रदेश है इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं। तो इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ वो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, भीमा नदी है। इसके अलावा और भी नदियां बहती है। साथ साथ में प्रमुख शहर की बात करते हैं तो प्रमुख शहर जो हो गए आपके नागपुर, सतारा, अहमदनगर, आदि। और इसकी जो और विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है काली मिट्टी का जो है पूरे तरीके से लेप चढ़ा हुआ है, यानी कि काली मिट्टी, इसी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी की प्रधानता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी, इसी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी। और ये जो है काली मिट्टी, जो है काली मिट्टी कपास के लिए, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था ट्रेपीय संस्तर क्या होता है। तो ट्रेपीय संस्तर के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो क्रमिक दो परतों के बीच के अंतर को ट्रेपीय संस्तर कहा जाता है। यह आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था अच्छी तरीके से। इसके अलावा में हमने अभी देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर मोटा निक्षेप जम गया है क्योंकि यहाँ पर 3 बार क्रमिक रूप से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, इसी कारण से यहाँ पे मोटा निक्षेप हो गया है। तो मोटा निक्षेप होने के कारण से खनिज संपदा जो है वो नीचे दब गए हैं, तो इसीलिए इसको उठाना जो है वह थोड़ा सा कठिन होता है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस उत्तर दक्कन पठार का पूर्वी वाला जो भाग होता है यानी कि महाराष्ट्र राज्य का जो पूर्वी वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं विदर्भ। तो ये भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लावा के मोटा निक्षेप जम जाने के कारण
ये कारण यहाँ पर खनिजों का उत्पादन कठिन है। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया विदर्भ के बारे में, तो उत्तरी दक्कन पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है। तो ये विदर्भ है, ये वाला जो इलाका है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पूरी तरीके से दक्कन ट्रीप पर स्थित जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। साथ ही साथ में काली मिट्टी जो है वह कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ट्रेफी शस्त्र क्या है इसको आप लोग समझ लेंगे। इसके बाद में है यहाँ पर उत्तरी दक्कन पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो विदर्भ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया उत्तरी दक्कन पठार के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वी दक्कन पठार के बारे में, जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर नदी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, और इसी पर यह हमारा मिलेगा आपको दंडकारण्य बस्तर का पठार और साथ साथ में छोटा नागपुर का पठार। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।